सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद अक्सर अपने अतरंगी ड्रेस को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। जहां कुछ लोग उनके इस फैशन सेंस को पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी करते रहते हैं। लेकिन अब उर्फी जावेद कानूनी पचेरे में फंसती हुई नजर आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में उर्फी जावेद के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। दरअसल बता दें कि अक्टूबर में उनका गाना हाय हाय ये मजबूरी रिलीज हुआ था। इस गाने को कुछ लोगों ने पसंद किया तो कुछ ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया। वहीं इससे पहले मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल ने उर्फी जावेद के आउटफिट और पब्लिक अपीयरेंस को जमकर फटकार लगाई थी। उर्फी जावेद अपने ड्रेसिंग सेंस के अलावा अपने बयानों के चलते भी सुर्खियों में रहती हैं। वहीं अब उर्फी जावेद ने उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR और ट्रोलर सुनील पाल को लेकर जमकर फटकार लगाती हुई अपनी चुप्पी तोड़ दी है। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि ये इतनी अजीब बात है, ये लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे पब्लिसिटी चाहिए और ये लोग वही है जो प्रमोशन और ध्यान पाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं। किसी रेपिस्ट के ऊपर इतनी FIR नहीं हो रही होगी जितनी मेरे ऊपर हो रही है। ये अफगानिस्तान या तालिबान नहीं है। क्या आप उस तरह से जीना चाहते हैं? क्या आप नियंत्रित करना चाहते हैं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए? वही दोस्तों आपको बता दी कि हाल ही में मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल ने इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद के कपड़ों को लेकर उन पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पागल कहा था। इस दौरान सुनील पाल ने कहा था कि ये उर्फी पगला गई है क्या। मैं उस महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने उर्फी के खिलाफ शिकायत की थी। मुझे लगता है कि उर्फी कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे वो हमेशा चर्चा में आ सके। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।